दोस्तों आज हमारे पास इस सोनी का कैसेट सिस्टम वाला स्टेरियो आया है, इसको हम ब्लूटूथ में तब्दील करेंगे। देखिए हम इसको लाइन देते हैं, ये हमारा 12 वोल्ट का एडेप्टर हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया, देखिए इसका सिस्टम वगैरह सब चालू है। ये देखिए ये वॉल्यूम कम हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये हमारा चालू है। ठीक है, अभी तो कैसेट वगैरह नहीं मिलता है, इसीलिए कस्टमर ने ले आया, इनको ब्लूटूथ लगाना है। ठीक है, देखिए इसका तो सामने का पैनल है, वो कैसेट जाने वाला ये जगह है, ऐसे कैसेट अंदर जाता है, ये टूट गया है। ठीक है, हम इसको रिपेयर करते हैं, आप लोग देखिए हम इसको कैसे ब्लूटूथ में तब्दील करते हैं, हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए इसका मैंने ढक्कन खोल दिया, ये देखिए ये इसमें पहले कैसेट चलता था, इसको हम ब्लूटूथ में तब्दील करेंगे। इसके लिए हमको ये इसका जो मैकेनिज्म है इसको निकालना होगा। ठीक है, इसको मैकेनिज्म निकालने के बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे, हमारा सप्लाई कनेक्शन जो हमें इस ब्लूटूथ में देना है। ठीक है, ये ब्लूटूथ हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए दोस्तों हमने इसको पूरा खोल लिया है, ये देखिए ये इसका सर्किट है और इसका पैनल है। अभी हम इसके लिए हम वोल्टेज सप्लाई निकालेंगे जो हमारा इस LM में हमको 12 वोल्ट सप्लाई हमको देना है। 12 वोल्ट हम सप्लाई देंगे, यहाँ से हमारा निकलेगा 5 वोल्ट सप्लाई हमारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये हमने LM ले लिया, ये हमारा LM है 5 वोल्ट का, और यहाँ पर हमें ये हमने ऑडियो का कनेक्शन निकाल लिया है। ये देखिए ये हमने ऑडियो कनेक्शन निकाल लिया है और इसका नेगेटिव कनेक्शन। ठीक है, जो हमारा इस पैनल में जाएगा, ये हमारा ये तीनों हमारा लेफ्ट राइट और ग्राउंड कनेक्शन है और ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, अभी हम कैसे इसको लगाते हैं आप देखिए, पहले हम LM को कनेक्शन करेंगे, पहले इस LM को हम इसके हीट सिंक से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा हीट सिंक में हम इसको लगा देंगे। इसको स्क्रू कस देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से कस देना होगा। देखिए यहाँ पे हमने इस LM को स्क्रू से कस दिया है, इस स्क्रू में हमने LM को कस दिया। ठीक है, अभी हमारा ये हमारा आउटपुट लाइन है, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, अभी हम इनपुट को कहाँ देंगे, ये देखिए इस यहाँ पर एक जीनर डायोड का पॉइंट है, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट स्विचिंग करंट मिलता है जो कि हमें इस पॉइंट पे स्विचिंग लाइन है जो कि यहाँ से होकर के यहाँ से जा करके इस पॉइंट में हमें 12 वोल्ट हमें यहाँ से स्विचिंग करंट मिलेगा। ठीक है, इसमें हम इसका इनपुट दे देंगे।
ये हमने इस तरह अच्छी तरह से हमने 12 वोल्ट इनपुट हमने दे दिया। ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा 5 वोल्ट बराबर आया कि नहीं। हमने मीटर निकाल लिया, ये ऑन कर दिया। ये हमारा नेगेटिव है और हमारा ये हमारा पॉजिटिव है। ये देखिए हमारा वोल्टेज नहीं आया, ठीक है। इस पैनल को हम जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। ये पैनल को हमने लगा दिया, ये हमारा ऑन हो गया। ये देखिए ऑन हो गया। अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। मीटर पे देखिए, देखिए 4.8 वोल्ट हमें मिल रहा है, करीब 5 वोल्ट, ठीक है, करीब 5 वोल्ट निकल रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, जो हमें इस पैनल में हमें देना है। अभी हम इस पैनल को सेट करते हैं, कहाँ पर देखते हैं। बंद कर दिया। इस पैनल को हम कैसे लगाते हैं, ये अंदर कैसे डाल दिया, ये हमारा अंदर चला गया। यहाँ पे जो ये जो भरा हुआ हिस्सा है, ये जो हमारा भरा हुआ हिस्सा है, ये सब हमको काटना होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमें यहाँ से साइड काटना होगा, ठीक है। काटने के बाद हम इसको बिठा के देखेंगे। अभी इसको थोड़ा खोल लेते हैं, पहले इस पैनल को हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसको निकाल लिया। हम अभी इस साइड को हम काटेंगे।
हम अभी इसको खाली बिठा के देखेंगे। देखिए ये इस तरह से बैठेगा। अभी हम इसका जो बाकी का हिस्सा है इसको लगा लेते हैं। एकदम आसान है, आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा स्टीरियो है पुराना वाला, इसका बहुत साउंड बहुत अच्छा है, तगड़ा साउंड है इसका। इसको चेंज मत कीजिए, पुराना वाला बहुत तगड़ा साउंड होता है इसका। ये देखिए, ये हमने इसको लगा लिया। अभी हम इसको दोबारा से बिठा के देखेंगे यहाँ पर। ये हमारा ठीक से बैठता है कि नहीं, ये देखिए हमारा बढ़िया से यह बैठ गया। यहाँ पर हम अभी स्क्रू लगाएंगे, इस दोनों तरफ हम स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। स्क्रू लगाने के बाद हम कनेक्शन करेंगे। पहले इसको इधर खोलना होगा। उसका छोटा छोटा स्क्रू होता है, हम निकाल लिया। इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अलग कर लिया। अभी हम इसको बिठाएंगे। देखिए ये हमारे पास, इसके लिए एक तरफ हमें नट स्क्रू चाहिए और नट बोल्ट चाहिए। इस नट बोल्ट को हम लगा देंगे। ये हमने एक तरफ लगा दिया। अभी हम इसमें वॉशर डाल देंगे। बहुत छोटा जगह है ना, इसीलिए चिमटे से कसना पड़ता है, उंगली नहीं पहुंचता है इधर। देखिए हमने एक तरफ कस लिया है। यहाँ पे देखिए इस बटन पे टच हो रहा है, हम थोड़ा इसको यहाँ से काट देंगे। देखिए हमने इसको काट दिया, अभी इसका बटन पे टच नहीं होगा। सब कुछ निकल गया, इसको लगाना होगा। देखिए हमने इसको सेट कर लिया। अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, ताकि हम इसके वायरिंग में कोई लीकेज ना हो।
पहले हम यहाँ पे एक एक करके डाल लेते हैं अंदर। थोड़ा लाइट कम हो रहा है ना, थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं। हमने तीनों लगा लिया, अभी इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे। ठीक है, हमारा एक एक करके सोल्डरिंग कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया कनेक्शन, ऑडियो कनेक्शन। ये हमारा ग्राउंड हो गया। देखिए ग्राउंड लेफ्ट राइट, ये ग्राउंड साइड, ये ग्राउंड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। थोड़ा काट देंगे, अभी हम इसमें जो हीट सिंक ओवर लगाया था ये सब हम फिर लगा देंगे, तभी हमारा काम अच्छा होगा। देखिए ये तीनों हो गया, अभी हम नेगेटिव कनेक्शन करेंगे। ये हमारा नेगेटिव का तार है, इसमें भी सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए यह हमारा पॉजिटिव का तार है, यह हमारा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, हमारा कनेक्शन हमारा हो गया, अभी हम इसको
और लाइन दे करके हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा सप्लाई कनेक्शन है, ये हमने लाइन दे दिया। अभी हम देखते हैं, ये देखिए हमारा ऑन हो गया बढ़िया से। ये हमारा ये लोड ले रहा है, बॉक्स ये हमारा बॉक्स में आ गया। अभी हम थोड़ा इसको साउंड सुनेंगे। ये हमने एक स्पीकर ले लिया, हम कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा स्पीकर कनेक्शन हमने कर दिया। FM mode. ये हमारा बढ़िया से हमारा साउंड आ गया। FM में है, ये देखिए हमारा ब्लूटूथ लिखा रहा है AUX mode, FM mode, Bluetooth mode। देखिए ब्लूटूथ भी लिखा रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा आपको म्यूजिक सुनाएंगे, थोड़ा सा। इसमें हमने 10 ड्रॉप लगा दिया। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू दोस्तों। हम नए नए वीडियो रोज़ डालते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। ये देखिए बढ़िया से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड भी अच्छा है। ऐसे हमने थोड़ा सा एक स्पीकर लगा के यहाँ पे चेक किया है, कार में बढ़िया से चलेगा, साउंड भी बड़ा है, तगड़ा है। ठीक है, थैंक यू।